नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय खूब गर्म है, यानी कि रोज कुछ न कुछ 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 बयानबाजी, कुछ न कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ न कुछ उसमें से वाद विवाद होते सामने आ रहे हैं। आज शरद पवार जी का जो इस्तीफा है अभी तक विचाराधीन है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने भी कई बातें की हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो है लगातार जो रंग बदल रहा है, इसके पीछे की राज क्या है, क्या है इस सबके पीछे नीति। सर, हम कई सवाल पूछेंगे आपसे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी है, उबाठा का भी है, तो क्या मानते हैं सर पवार साहब का जो इस्तीफा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, खासकर राष्ट्रवादी पार्टी में? अभी तक उनको अध्यक्ष के जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्या लगता है कि अध्यक्ष को निर्णय लेने में भी इनको काफ़ी परेशानियां हैं? सर, वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं मेरे देखने वाले दोस्तों को शायद ये मौका मिलेगा कि सर, बीबीसी पे ऐसा वाकया हुआ था कि बीबीसी के जो वृत्त निवेदक थे जी, वो न्यूज़ दे रहे थे और लाइव शो दुनिया भर में जा रहा था, तो वो देते देते उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो न्यूज़ देते देते एकदम गिर गए। आज सुबह मुझे दो बार ऐसा चक्कर आया है कि मैं आज रिस्क ही नहीं ले रहा हूँ। जी जी जी, मैं सर ये कोच के बाजू से ही निकल रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत बैठ जाऊँ। वैसे भी वह पहला चक्कर जब आया तो मैं तुरंत वहाँ पे लेट गया। जीने पे चढ़ते समय मैंने मेरा बॉडीगार्ड जो है उसको साथ में लेके वो पकड़ के मुझे लेके गया, फिर ऊपर जाके मैं सो गया, तभी भी मेरे को लगा अरे गड़बड़ हो रही है। और बट आज मैं भी वीडियो बनाने के फेवर में नहीं था, लेकिन नहीं था नहीं, मगर कैसे है ना, इसी तरह गिरी जी के प्रति मेरे मन में, उनके मन में मेरे बारे में जो प्यार और आदर है वो कहाँ दूर से मेरे लिए आते हैं। तो मैं बोला कि लाइव शो हुआ तो हुआ, गिरपुर ऐसा नहीं होगा भगवान। नहीं, अभी साहब ने एक इलेक्ट्रॉल का ये लाया था दवा मेरे लिए और वो देख के बोले ये इसका असर आधा घंटा रहता है उसका। सर अभी मैं आज थोड़ा, आप भी वाकिफ है, आप भी ये सब चीज़ें जानते हैं, तो मैं प्रश्नकर्ता की भूमिका में रहूँगा जहाँ मुझे लगेगा मैं एडिशन करूँगा। और सर अगर मैं गिर जाता हूँ तो ये रोकिए मत, ये जरा लोगों को देखने को भी हम लोग कितना प्रयत्न से करते हैं क्या क्या। और मैंने आपको बोला था कि मैं तो, मैंने एक नंबर भी मेरे मराठी में दिया है, मुझे कोई आपके पास नुस्खा है तो बिल्कुल बताओ कमेंट में, क्योंकि न्यूमोनिया का बाद मेरा फेफड़ा जो है उसमें एक पैचेस आ गए, वो पैचेस मेरे को ठीक होने नहीं दे रहे, अभी 4 महीने हो गए। वो पैचेस जाए और वो जो बार बार इन्फेक्शन होता है, रुके आपके पास भी कोई नुस्खा है तो इनके कमेंट में डाल दीजिए, मैंने बहुत कुछ किया है ये भी याद रखिए। सर ऐसा है कि दो चीज़ें आज अपने सामने हैं, एक है उद्धव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने दोनों ने बैठ के देखिए, असल में हम रुके रहे थोड़ा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए। दूसरी एक बात है कि बेलगांव से संजय राउत विमान में बैठने से पहले मेरे से कुछ बात किया, वो है, वो भी बोलने लायक है, बताने लायक है। सर आपके कमेंट में जनरली पढ़ता नहीं हूँ मगर आपके लोग भी इतने आगो है ना, वो कमेंट में से वो कमेंट जो मेरे प्रति है कुछ खास के ठोकी हुई वो निकाल के मेरे व्हाट्सएप, उनके पास मेरा भी नंबर होता है ना कई बार, तो वहाँ पे भेजते हैं। तो एक ने आज आपके चाहने वाले ने एक कॉमेंट किए, बोले संजय राउत क्या कहते हैं उसके बदले अनिल थत्ते क्या कहते हैं, ये सुनने को हम बेकरार है। वो कब शुरू करेंगे कि संजय ने बताया, उदय निरोडकर ने बताया, फलाने ने बताया, वहाने ने बताया, आपने क्या बताया बोलो, वो आता है असल में उसने, मगर उसने मैं एंजॉय किया वो। सर भारत की राजनीति ऐसी चल रही है कि बिना संजय राउत का राजनीति ही नहीं ऐसे लग रहा है। और सर कैसे है ना सर, ये लोग अपने सामने एक एक मिनट वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा इन्वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं हुआ। और दुनिया भर के सर, मैंने अभी एक यूट्यूब की लिस्ट बना रहा हूँ मैं जी, तो 1200 अभी तक बना चुका हूँ मैं,
मतलब एक किसी आदमी को असाइनमेंट दी है कि पूरे महाराष्ट्र के यूट्यूब के चैनल के ये बनाए, लिस्ट बनाए, तो 1200 मराठी हैं, मराठी 1200 हो गए, ऑलरेडी चल रही है आगे। और सर मैं आपको उल्टा पूछता हूँ कि ये जो विलंब हो रहा है अध्यक्ष का जारी करने में, उसके बारे में आपको क्या लगता है? फिर मेरी बात भी बताऊंगा मैं, मगर आपको क्या लगता है कि क्यों देर हो रही है? सर ऐसा है कि जैसे कि कल आपने वीडियो में कहा था कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और अजीत दादा को जो है महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना सकते हैं, ऐसा खबर चल रही है और इसमें काफ़ी मीडिया में भी देखने को मिल रहा है और लोग भी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का बयान भी इसी तरह के आ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी के कोई भी नेता अभी तक फेवर में नहीं है कि पवार साहब जो है अध्यक्ष पद से मतलब कि हट जाए, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ अजीत दादा के अलावा किसी का भी बयान ऐसा नहीं आ रहा है कि पवार साहब जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे का स्वीकार किया जाए। तो अभी तक अध्यक्ष पद का, लेकिन इस्तीफा स्वीकार कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल तो होता है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी का, जैसे सर मैं तुलना करता हूँ कि सोनिया के पक्ष में सीनियर नेता बहुत थे जी, क्योंकि सोनिया जी से उनका एक कोई फाउंडेशन था, रिलेशनशिप थी, एक कम्युनिकेशन था और वो विश्वास से उनके पास जाके बातें कर सकते थे। राहुल किसी से कुछ संबंध ही नहीं रखा था, तो वो जो पुरानी पीढ़ी थी पहले वाली जिसका होल्ड है अभी कांग्रेस पे, वो राहुल से डरते थे और बोलते नहीं सोनिया ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, बाद में राहुल आया, फिर भी उसको उन्होंने शांति नहीं दी, अस्वस्थ रखे, फिर बाद में वो भी छोड़ दी। सर मेरे को लगता है कि इसमें एक लॉबी है राष्ट्रवादी में जी, जो बहाना तो ये बना रही है कि भाई पवार चाहिए, पवार चाहिए, पवार चाहिए, पवार चाहिए, मगर उनको सुप्रिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उनको लगता है सुप्रिया जी के आने से हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हित संबंध है, उनको बड़ा झटका लगेगा, धक्का नहीं झटका ही लगेगा कि वो अपनी टीम करेगी, वो यंग और डायनामिक ऐसे जो लड़के हैं एनसीपी में उनकी टीम करेगी, फिर ये बूढ़े जो है जो मंत्री बन के बैठे हैं, पदाधिकारी बन के, उनकी सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो वो जानते हैं कि पवार साहब मानने वाले नहीं हैं जी, पवार साहब तो बिल्कुल ही नहीं मानने वाले। हाँ, क्योंकि उन्होंने तय करके सुप्रिया को आंखों देखे, सर अजीत दादा बहुत ब्लंट है, उन्होंने बोला नेत्याच्या डोळ्या देखत पुंडी व्यवस्था व्हावी, असं वाटतं का नाही तुम्हाला? सर ये डोळ्या देखत है ना मराठी में, उसको बड़ा मायना रहता है जी, जी। उसका एक अर्थ और अनर्थ भी होता है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक सुप्रिया और दादा में थोड़ा सा गैप था, संघर्ष बोलेंगे या गैप बोलेंगे, वो दोनों ने अभी एक दूसरे के साथ पैचअप कर लिया है और दोनों मिलके चाहते हैं कि अभी पवार साहब मार्गदर्शक के रूप में रहे और हम दोनों राज्य और केंद्र में राज्य करें। तो इसके लिए वो सुप्रिया को, तो उसने बोला सुप्रिया तू नहीं बोला, इसमें तो नहीं बोली क्योंकि उसको भी नहीं बोलना था, और दादा तो बोलते गए, समर्थन किया उन्होंने राजीनामा का। सर वो समर्थन पवार साहब सामने बैठे थे, वो कर रहे थे, पर पवार साहब उसको ऐसा बोल रहे थे बोल, ऐसा उन्होंने इशारा किया, मतलब घाव डालने का काम तू कर। और पवार साहब को भी कैसा है ना, ये अभी भुजबल से लेके जयंत पाटिल तक ये सीनियर लीडर है ना, उनके लिए बोझ बन गए सर, क्यों सीनियरिटी है, पहले से हम तुम्हारे साथ हैं, आप जब गए तब से हम आपके साथ हैं, तो हमारा इंटरेस्ट देखो। अभी उनको लग रहा है कि पवार साहब रिटायर होंगे तो कुछ नहीं, तो सुप्रिया को बोलेंगे भाई तुम तुम्हारी टीम बनाओ जी, आगे चल के तुमको 25-30 साल तक राजकारण करना है तो हम क्या आ जाएंगे। सर एक भद्दी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, वो यहाँ पे थोड़ी सी क्या बोलते हैं समय उचित रहेगी, बहुत भद्दी कहानी है। सर एक फार्म हाउस था, उसमें एक शेतकरी था, फार्मर, शेतकरी बोलते हैं ना, कृषक, किसान, किसान। तो उसने एक नया वड़ू लाया, वड़ू होता है वो गायों को ये करता है गर्भधारणा करने का काम करता है, बोलते सांड। सर मुझे करेक्ट किया, मेरी हिंदी सुधर रही है धीरे धीरे बहुत, मुझे लोग बोलते बाप फिल्मी, संजय तो मुझे बोलता है तू जो मराठी हिंदी बोलता है वो मराठी से निकली हुई हिंदी रहती है और वो फिल्मी हिंदी रहती है, पर वो बोला मजा आता है और तुम्हारे गिरी साहब का मैं जाने वाला हो गया हूँ। तो सांड लाए, तो ऐसा हो गया कि जो पुराना सांड था
तो उसने देखा कि भाई अभी नया सांड आ गया, मतलब ये जो गायें हैं उनके ऊपर की अपनी विरासत खत्म हो गई, अपनी ताबेदारी जो है खत्म हो गई। तो वो एक तरफ खड़ा हो गया। फिर उसने ये अपने सींग, सींग बोलते हैं ना इसको, जी वो ऐसे किए शिपुट ऊपर की और उसके ऊपर दौड़ के गया। वो जो नया सांड आया था एकदम बम 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 था। तो वो फार्मर देख रहा था, किसान देख रहा था, उसने देखा कि ये बूढ़ा सांड जिसे अभी गाय फड़ी नहीं जाती है, वो मराठी में फड़ो नहीं बनता, हिंदी क्या मंटा, गर्भधारणा नहीं की जाती है, इसके लिए मैंने नया सांड आया। ये पागल उसके ऊपर दौड़ के जा रहा है। उसने भाग दौड़ करके उसको पकड़ा, बोला अरे तू क्या पागल है क्या, ये सांड देखा क्या, 4 गुना शक्ति है तुम्हारे से उसमें, और उसने अगर एक टक्कर मारी ना तो तू मर जाएगा, तू क्या जा रहा है उधर उसके ऊपर ये करके। तो बैल ने उसकी तरफ देखा, बोला किसान जी मालिक, मुझे ये मालूम है कि मैं उसके तुलना में कुछ नहीं हूं और मैं जाके टक्कर देने वाला नहीं हूं, मगर टक्कर का रौब लेके मैं उसकी तरफ इसलिए दौड़ रहा हूं कि वो मुझे गाय समझ के मेरे ऊपर न चढ़े। कम से कम उसको इतना पता चलेगा मैं भी कि सांप भाई ये सामने आया है तो मतलब ये वड़ू है, पुराना है, रिटायर्ड है, अभी इसको बख्श देना चाहिए नहीं तो हूँ। वो मेरे ऊपर भी चढ़ेगा करके। सर ये जो सीनियर लेता रहते हैं ना, कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, वो भी समाजवादी पार्टी में भी यही नाटक होया है। जो नई पार्टी नहीं है आप जैसी, वो छोड़ के सब जगह ये पुराने और नए में ये लफड़ा होता ही है। जी। तो वो जो पुराने बूढ़े रहते हैं, वैसे इंदिरा के जमाने में सिंडिकेट और ये हुआ था, वो सिंडिकेट वाले कामरा से लेके जो सब थे उन्होंने वो क्यों हाँ करने की कोशिश की, भाई हम गाय नहीं है इतना ही बोल। सर ये वही खेल है सर, क्या लगता है अभी ये दो तमाशा कब तक खत्म होगा ये? चार दिन बस में इसका सुप्रिया का हो जाएगा। और सर जो अभी ये कर रहे हैं ना, है बोले कर रहे हैं, रो रहे हैं ना, इसमें वही जितने वही जितने आवाज पैसा नंबर एक पे चल रहे हैं इस समय हाँ। फिलहाल। तो समय उसका नाम नहीं लेना था, मुझे सुबह उसकी बहुत लंबी बात है, मैंने उसको बहुत एरेंडल का डोज दिया है लंबा, तो वो मेरे को फिर वो बताना पड़ेगा आपको करके, उसका नाम नहीं लिया। एरेंडल मालूम है ना, कैस्टर ऑयल हाँ जुलाब का दवा होता है, जी। वो दे दिया है उसको कि तुम अभी सुप्रिया को विरोध करना। उसको मैंने मराठी में बोलो, शरद पवार राहिले पाहिजे हाँ म्हणजे सुप्रिया आली नाही पाहिजे, हा अर्थ लक्षात घे। तू हाँ सुप्रियाला विरोध करतोय, ती आल्यानंतर एकेकाचा काटा काढील। और अजितदादावर वो साथ हो गया है, तेरे तो अजितदादाचे पहिले खुन्नस है, ये और एक दुश्मन मत बनाओ, अभी तक अच्छा था तुम्हारा, ऐसा बोल दिया। और बोला थोड़ा थोड़ा मॉडरेट कर, थोड़ा लिमिट में रख, इतना ज्यादा भी है गया मत कर, क्योंकि कल तो आने वाली है वो, जी तो जाने दो, उसका जवाब नहीं देता हूँ मैं। तो सर ये बूढ़े जो है ना सर, उनको डर है कि सुप्रिया आने के बाद, उसके लिए वो शरद पवार को अध्यक्ष रखना चाहते हैं, जबकि अध्यक्ष पवार नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे सर, मार्गदर्शन तो वो बने रहेंगे ना सर, ये छोड़ो उसमें क्या क्या दिक्कत है, बनेंगे, सलाह मार्गदर्शक। हाँ मार्गदर्शक है ना, अपने आडवाणी साहब हैं हाँ सर, मार्गदर्शक शब्द बदनाम है नहीं क्या, आडवाणी साहब को कहाँ कुछ पूछते हैं, मोदी पूछते हैं, मार्गदर्शक मुरली मनोहर जोशी पूछते हैं, मार्गदर्शक अभी यहाँ पे मनोहर जोशी मार्गदर्शक कहाँ कुछ उनको पूछे, जी पर पवार वैसे नहीं है, पवार रियल मार्गदर्शक रहेंगे, वो एक्टिव रहेंगे। तो सर ऐसा है कि एक बड़ी घटना ये है कि सुप्रिया और अजीत एक साथ हो गए, दूसरी बड़ी घटना ये कि सुप्रिया केंद्र संभालेगी, राज्य संभालेगी, ये फॉर्मूला भी फाइनल हो गया है। तीसरी बात यह है कि अभी ये जो पवार साहब जिसके मार्गदर्शक है, सुप्रिया जिसकी राष्ट्रीय नेता है, और अजीत दादा जिसके महाराष्ट्र नेता है, वो विरोधी पक्ष में रहेंगे, अध्यक्ष जयंत पाटिल बने। सर जयंत पाटिल कैसे है ना, कि जयंत पाटिल है ना तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो जितने जोल से कल रो रहे थे मालूम होने के जी बावजूद उतने कल हंसेंगे, हाँ बोलेंगे उनका भाषण मैं अभी बोल दूं, बोलिए। सुप्रिया ताईंच्या रूपाने एक नव नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेला आहे, नवे देशाला लाभलेला आहे, या देशामध्ये इंदिरा गांधी वगैरह भाई फिर नाम लेंगे। तो ये ममता बॅनर्जी से लेके जयललिता से लेके बड़ी बड़ी
महिलाओं ने एक इतिहास रचा है। अब देखो महाराष्ट्र में ये सुप्रिया ताई इतिहास है, यही निर्लज्ज बोलेगा जिसने कल रो रो के कर रहा था, वही बोलेगा ये सुप्रिया की वजह से देश में एक नाम ऊंचा है। महाराष्ट्र में परंपरा है पहले से, ये महाराष्ट्र अहिल्या रानी अहिल्या देवी का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये वो है, वो सब करेंगे सर। जैसे ही वो चुनाव जीतेगी और यहाँ बैठेगी, जैसे पहले मुख्यमंत्री जाने तक लोग बोलते हैं मत जाओ मत जाओ, जाने के बाद नए मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जाओ चालू जाते हो जाएंगे। तो सर वो मुद्दा जो है वो यहाँ तक आके हम रुकते हैं। अब आते हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। सर आप थोड़ी उसके ऊपर भाषण कीजिए, मुझे थोड़ा सा पानी लेते हैं सर। ये उद्धव ठाकरे सर, उद्धव ठाकरे ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसमें उन्होंने दो तीन बातों का उल्लेख किया उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि हर जैसे पवार साहब के ऊपर क्वेश्चन किया गया कि उन्होंने जो पुस्तक में जो लिखा है खासकर उद्धव ठाकरे के बारे में जो कुछ बातें गलत लिखी, मतलब गड़बड़ लिखी थी, गड़बड़ क्या जो सच्चाई लिखी थी उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हुआ, तो उन्होंने बोला कि हर एक को अपनी विचार लिखने का अधिकार है। और दूसरा सवाल ये था कि जो कर्नाटक में मोदी जी ने कहा था कि चुनाव मतलब वोट देते समय जय बजरंग बली बोलो, तो उन्होंने बोला कि बाला साहब जी ने भी हिंदुत्व के बारे में कहा था ऐसा, तो उनको इलेक्शन से मतलब चुनाव से उनको वोट देने से बैन कर दिया गया था, तो क्या ऐसा उसमें सुधार हुआ है या कुछ ऐसा है? तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर भी लोग जय भवानी जय शिवाजी करके वोट देंगे तो अच्छा लगेगा, इस तरह की बातें बोले। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो महाविकास आघाड़ी का है मामला है जिसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे महाविकास आघाड़ी को कोई ठेस पहुंचे या कोई ऐसा, मैं कोई बयान नहीं दूंगा, ऐसा कोई मैं काम नहीं करूंगा। और दूसरी तीसरी बात पवार साहब का जो डिसीजन है वो अभी तक तो मंजूर नहीं हुआ है, और जो भी है उनका अंदरूनी मामला है वो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बातें उन्होंने स्पष्ट करके इतना ही पॉइंट। आप उसका एनालिसिस क्या निकाल रहे हैं? एनालिसिस यही है सर कि उद्धव जी पूरी तरह से डिपेंड समझ लो एक तरह से महाविकास में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के ऊपर ही लग रहे हैं। उनका एक ही विकल्प है कि राष्ट्रवादी मजबूत रहेगा तो महाविकास मजबूत रहेगा, महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी और ओबाटा भी साथ में मजबूत बनेगी, ऐसा उनका ध्येय सीधा सीधा। और कांग्रेस पे तो उनको भरोसा नहीं कुछ भी, और उनका जो लीडरशिप है पूरा उद्धव ठाकरे का पूरा पवार साहब के ऊपर ही उन्होंने ये किया है। और रहा संजय राउत का जो वो बार बार जिक्र करते हैं कि जो है संजय राउत जो है हमारे दोनों बीच का जो है पुल है, सेतु है। यस सर, अभी मैंने और आपने साथ में ही सुना, मेरे मन में थोड़ी विचार प्रक्रिया अलग रही और इसका एक कारण भी है कि संजय बेळगांव से निकला फ्लाइट के लिए तो एयरपोर्ट पे बैठा था, तो टीवी पे न्यूज़ थी कि संजय राउत मुंबई कड़े रवाना, तो उसका फ्लाइट का ये मुझे मालूम था, टाइमिंग मालूम था, तो मैं बोला ये थोड़ा टाइम आधी जाना पड़ता है, तो गया है वो, तो बैठा होगा इधर इधर कुछ, तो मेरा फ़ोन लेगा अभी, मैंने फ़ोन किया, मैं बोला बेळगांव का कैसा रहा, बोला अद्भुत रहा, वहाँ का मराठी आदमी जो है उसने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया बोला अद्भुत रहा। मैं बोला ये पवार साहब का जो आया है उसके ऊपर क्या होगा, तो बोला मेरी अभी तुम्हारे पहले उद्धव जी से बात हो गई, तो उद्धव जी बोले हैं मुझे कि आ जाओ तुम, फिर आज हम एक आज या कल एक लंबा इंटरव्यू करेंगे, दो दिन सामना में चलेगा और पवार साहब ने जो कुछ क्वेश्चन उठाए हैं उनका सविस्तर जवाब हम देंगे। वो सामना के इंटरव्यू में देंगे। तो मैं बोला अच्छा, मैं बोला क्या दिख क्या रहा है, वो बोले सुप्रिया सुले का तो फाइनल है, अभी ये रोना धोना सब जो चल रहा है वो पवार साहब को खुश करने के लिए चल रहा है, वो चलना चाहिए ऐसा चलना चाहिए। कोई भी करते हैं तो एकदम ही पवार साहब ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, लोग ताली पीट रहे और खुशी मना रहे, ये तो अच्छा नहीं है, वो भी ठीक नहीं, ये थोड़ा होना चाहिए। वो सब का बाला साहब के समय भी हुआ था और बाला साहब का पीछे लेने का इरादा था क्योंकि उस समय उद्धव नहीं था पिक्चर में, इधर अभी ये सब हो रहा है। तो वो बोला तेरे कल के वीडियो में तुमने जो किताब का नाम बदली दिया है लोक माझे सांगाची वेजी लेक माझी सांगाची, मतलब बेटी मेरे साथ जी। तो बोला वो सही है बोला, और वो बोला मुझे अभी दिख रहा है कि अजीत दादा और सुप्रिया का अच्छा पैचअप हुआ है, और अच्छा है बोले सब मामला ही खत्म हो गया, उन दोनों को पैचअप हो गया, उन्होंने राज्य और केंद्र आपस में बांट लिया, तो अभी बोले बहुत फर्क पड़ेगा इसका। बोला अनिल ये उद्धव जी का इंटरव्यू मैं दो तीन दिन में करूंगा, बहुत लंबा रहेगा, उसमें ये आएगा
मगर उस समय उसको ये अंदेशा नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आज उद्धव जी जी, मगर नहीं की होती तो अच्छा होता सर। हाँ, कुछ पॉइंट तो खास था नहीं, कुछ खास नहीं था, ऐसा ही उल्टा ऐसा हो गया कि भाई आप डर रहे पवार साहब से, और सबसे डर रहे आप खुलकर बात नहीं कहीं राष्ट्रवादी से अगर हमारे पंगा लेने को तैयार नहीं आप, जबकि संजय ऐसा आदमी है सर, कल अभी ये इतने मवाल बोले ना, वो जहाल इंटरव्यू संजय ले लेगा उनके, और संजय की ताकत क्या है मालूम, वो जो नहीं बोलेंगे वो भी डाल देगा। बिल्कुल वो संजय वो बोलेगा नहीं उद्धव जी तो मित्र है वो, तो नहीं उदय अरे पचपचित मुलाखत आपण चॅलेंज केलं पाहिजे, तर त्यांना जरा वाटेल की आपण काहीतरी नाराज होत, मग त्यांचे फोन येतील आले नाही उद्धवजी आम्हाला असं नव्हतं म्हणायचं, तुम्ही आमचे मित्र आहात वगैरे वगैरे, तो ये मवाळ हुआ, वो जहाल आएगा दो दिन में। तो सर और एक बात उसने जो बोला, अभी अनिल अनाउंसमेंट हो गई है, मैं विमान में जाके बैठ रहा हूँ और थोड़ा बिजी रहूंगा, रात को बोलूंगा तेरे से, तो अभी तो रात होगी तब मुझे और डिटेल मिलेगी। हाँ, मगर उसका एक सेंटेंस था लास्ट में, वो बोला अनिल महागाड़ी संकट में, और एनसीपी और बीजेपी इनका कभी भी गठबंधन हो सकता है। हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था इस पर नीतीश राणा ने, वो मुझे मालूम नहीं, उसने मुझे बताया कभी भी हो सकता है, इसमें खासकर अजीत पवार की तरफ उद्धव ठाकरे साइड लाइन हो जाएंगे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, और ये दोनों साथ में आएंगे, एकनाथ शिंदे को रखेंगे साथ में, मुख्यमंत्री भी रख सकते हैं रखेंगे, मगर बोले अभी राजनीति जो है वो महागाड़ी वर्सेस बीजेपी ऐसी नहीं रहेगी, खाली शिवसेना कांग्रेस एक तरफ, शिंदे बीच में, और बीजेपी और ये एक तरफ, ऐसी कोई होगी। वो बोला अभी मेरे को टाइम दो, बहुत कुछ निर्भर करता है सर दो चीजें में, एक तो कर्नाटक चुनाव परिणाम और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये दोनों चीज के ऊपर जो है 15 मई तक सब हो जाएगा, 13 मई को इसका रिजल्ट है जी, और 15 मई को जज रिटायर हो रहा है, उसके पहले इसका भी है, तो 15 मई सर हम समझ सकते हैं कि क्रांति का दिन होगा। मतलब 15 मई तक जो है महाराष्ट्र की राजनीति काफी उथल पुथल देखने को मिलेगी। हाँ, मगर वो सर बिन बुढ़ाची रहेगी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है जी जी, कर्नाटक में क्या होगा किसी को पता नहीं, अंदाज है मगर पता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो बिल्कुल पता नहीं है, मगर पता है जानकर सब अनजाने हैं। यस, तो देखते हैं सर क्या होता है। आज हमने थोड़ी संजय की, देखो सर कुछ भी बोलो आप, संजय के कितना भी दोस्तों तुम गाली दो, तुम बोलते हो अनिल संजय करता है वगैरह, और सर देखो ना आज बोलते बोलते उसने दे दिए कि बीजेपी और एनसीपी की जल्दी ही जो अंदर की बातें हैं वो संजय के थ्रू ही आपको मालूम पड़ती है। मेरे जो दोस्त हैं ना जी, उनका नाम उसमें से सर, बाकी तो आपको मैं बताऊंगा तो आप तो जहाँ बैठे वहां पे मुंह हो जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े नामचीन लोग हैं सर जी, उनको हम कभी कभी कोट भी करते हैं सर। मैं बोलते बोलते अचानक से बोल देता हूँ कि फडणवीस साहब मुझे बोले, एकनाथ शिंदे मुझे बोले, जितेंद्र आवाड़ मुझे बोले, बहुत सारे नाम लेता रहता हूँ, तो उनको भी मालूम हो गया है, क्योंकि उनके चमचे है ना जो मेरे और उनमें लगाना चाहते हैं, वो जाके बोले सर तुमच्या नावाचा वापर करून ते विधान करतात तिकडे, तुमच्या नावावर कोट करतात, तुम्ही ऑफ द रेकॉर्ड बोलतात ते ऑन द रेकॉर्ड बोलतात, ऐसा चुगली करते है, बहुत चुगली करते है सर दोनों के पास, क्योंकि क्या है ना ये फालतू लोग रहते हैं ना, उनको तुम्हारा बड़े आदमी से जो रिश्ता रहता है गहरा वो पसंद नहीं होता है, खींचो इसको पीछे, खींचो इसको पीछे, यहाँ तक जाते हैं कि एक जगह तो किसी ने बोला कि अनिल सत्ती की शिकायत करो कि तुम्हारे नाम से वो कुछ बातें बोलता है, यहाँ तक गए। हमारे दिल में क्या है हम जानते हैं, हम दिल के करीब है एक दूसरे के, एक दूसरे के, मैं कोई ऐसा चिपका हुआ आदमी नहीं, हम दोनों बराबरी का नाता रखते हैं सर। 55 साल की मेरी पत्रकारिता है और 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है मैंने, और 100 से ज्यादा नेताओं के जीवन में मेरा ऐसा रोल है कि अगर मैं नहीं होता वहां तो वो आज नहीं होते, तो मैं मेरे को सर मैं चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लेवल में ही समझता हूँ जी जी जी, और उसी तरह से बात करता हूँ। लोग जाते हैं ना वहां पे गहरे वर्षे अभी सब्जेक्ट समझा है, मगर अभी मैं गिरा नहीं करके बात कर, तो लोग जाते हैं ऐसा खड़ा रहते हैं, ऐसा खड़ा रहते हैं, ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा मेरी मत मार, मेरी मत मार, ऐसे करके खड़े रहते हैं। मैं आम आदमी के तरह जाता हूँ, जो मन में आए बिंदास बोल देता हूँ, कोई कोई किसी को नहीं, तो मेरा रिश्ता अलग है, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम्हारा कोई पगारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ,
बिल्कुल मैं मेरी जिंदगी मेरी स्टाइल से जीता आया हूँ, आप नहीं थे मैं था, मैं नहीं था आप भी थे, तो समान दर्ज है। तो सर ये अभी संजय को भी कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुला बोला थे तो बोलतो, तो संजय तेना संगत तो मुझे मीच है। तो चलो सर आपकी वजह से मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ, आपने इलेक्ट्रॉल दिया वो करके, और अभी नहीं, नहीं, नहीं गिरेंगे ऐसा, मैं अभी भगवान से प्रेयर करता हूँ कि कभी नहीं गिरेंगे। नहीं सर मेरे को सर समझ में नहीं आता है दोस्तों, मुझे भी मैंने दूसरे एक वीडियो पे मैंने ये किया है जी, अपील किया है, ये फेफड़े में जो ये छाप लग जाता है, क्या बोलते हैं उसका एक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं है वो मराठी मध्ये आम्ही त्याला बोलतो की त्याचे हे राहिलेत शिल्लक पॅचेस, हिंदी मध्ये पॅचेस म्हणतो, ते राहिलेत त्याच्यात परत परत छोटे छोटे इन्फेक्शन होऊन मला थकायला होतं, आणि मग काय होतं अँटीबायोटिक्स घेतो, अँटीबायोटिक्स से सर मला सर ये आपको कोरोना हुआ था उसके बाद से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है? नहीं निमोनिया से, निमोनिया उसी के बाद कोरोना के बाद निमोनिया, निमोनिया कोरोना में तो मैं मर ही गया था जी, डॉक्टर ने घर वालों को बुला लिया था जी, मगर उस समय मिलना नहीं था ना जी, जी तो नीचे खड़ा कर दिया था, बोले अभी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से प्लास्टिक से यहाँ तक, बोला वो डॉक्टर भी बिंदास था, वो बोला दिखाई नहीं देंगे आपको मगर खाली आपको देख के होगा कि हाँ ये प्लास्टिक बॉडी जा रही है, होता थे आपके मगर आप रहो पा ये लगा के अगर यहाँ तक हो गया मेरा, बट गॉड इज ग्रेट, सर गॉड इज ग्रेट, मतलब वो डॉक्टर मुझे वो उसने क्या किया मालूम है, उस मित्र दोस्त बोलने लायक मैंने कहा, वो बोला ऐसा खड़ा था उधर, वो बोला थत्ते साहब आप बिग बॉस में बोले थे कि मैं मेरे चॉइस से जिया हूँ, मेरे चॉइस से मरूंगा और मुझे भगवान नहीं मारेगा, मैं खुद मुझके मुझे मारूंगा, तो क्या आप कोरोना से मरेंगे, ऐसा उसने वहाँ खड़ा होके बोला, चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया। तो मैं इसमें था, एक घूंघट था सर, नीचे से ऊपर तक एक बबल बनाया था बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने बबल में था मैं और बबल ऑक्सीजन का था और उसमें मुझे मुझे वेंटिलेटर भी था, मतलब कितना सीरियस हो गया था। तो मैंने ऐसा उसका बात मुझे सुनने को आया, होश में था मैं, मैंने उसकी ओर देखा और ऐसा किया, ऐसा मतलब नहीं ऐसा निकल, और सर विद इन 24 आवर्स आई वॉज नॉर्मल, मतलब वो फुगे से पहले बाहर आ गया, फिर वेंटिलेटर निकला, फिर धीरे धीरे ठीक, बाद में 10 दिन रहा मैं मगर हो गया। तो बट आपका जो मैटर था तो पहले ही फेस में था, बहुत बहुत डेंजरस था क्योंकि उसमें डोज वगैरह नहीं था कुछ भी। सर अभी कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं तुम जितेंद्र के बारे में इतना प्यार से बोलते हो जी, हम गुस्सा करते हैं। सर उस समय कोई दवाएं मिल नहीं रही थी, इंजेक्शन, ये जितेंद्र था जो घाटकोपर गया सर, वो मरीन लाइन्स पे या मरीन लाइन्स में कोई दवा बाजार है ना बड़ा, मुझे नहीं मालूम है वहाँ पे सर, वहाँ वो खुद गया लोगों को भेज के नहीं, और वहाँ से मेरे लिए जो चाहिए थे 12 रेमडेसिविर या ऐसा कुछ था, और दूसरा भी रेमडेसिविर, हाँ और एक 5 डब्बे चाहिए थे सर, वो खुद लेके आया डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में होराइजन में ला के दिया और बोला तत्ते साहब के लिए और क्या क्या लाना है बोलो मुझे, और खुद बीमार पड़ गया बाद में। मरे तो लगता है कि मेरे पहले वो बीमार पड़ा था शायद, या बाद में होगा, तो मेरे लिए इतना भागदौड़ किया, हाँ भागदौड़ किया उसने, तो सर वो भी बचा बड़ी मुश्किल से, मतलब मेरी भी दुआ उसके काम आ गए, मेरी तो उसकी दुआ। सर मैं वो डॉक्टर आज भी मुझे, परसों भी जब गया था मैं बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, तो बोले आप उस समय बच गए ना, वो सिर्फ जितेंद्र की वजह से बच गए, कि उसने वो दवा ला के दी, हमको भी मिल नहीं रही, और बोला पूरा कोर्स, और वो बोला हमने भी सोचा नहीं कि ये 12 देना ही नहीं है, बाद में बोले वो तो पेपर में आ गया ऐसा कि देना ही नहीं चाहिए था, पर हमने दे दिया, आप बच गए। चलो तो दोस्तों अभी भी थोड़ा मुझे ये है कि आपने इनके कमेंट्स में अगर आपके पास कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथी मैंने कर ली सर, यूनानी मैंने कर ली, एलोपैथी मैंने कर ली, जितनी टेस्ट दुनिया में होते ना कम से कम 1.5-2 लाख की तो टेस्ट कर ली मैंने अलग अलग, मगर ये नहीं जा रहा है, मेरे को थकान आ रही है। तो आपके पास कोई अगर नुस्खा है तो इनके कमेंट में भेज दीजिए, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, ऑफ कोर्स उसको दिखा के फॉलो करूंगा। तो इनका कमेंट बॉक्स में मैं और एक सब्जेक्ट ओपन करता हूं कि ये फेफड़े में जो इन्फेक्शन बार बार होता है उसके बारे में अगर नुस्खा है आपके पास कुछ, और अपने अनुभव के जी, ये डॉक्टर के पास जो डॉक्टर वो नहीं करूँ, मेरे पास नंबर 1 के होम्योपैथी, नंबर 1 के आयुर्वेद, नंबर 1 सब नंबर 1 मेरे पास है सर, गूगल देखेंगे ना तो उसमें अगर नंबर 1 होम्योपैथी डॉक्टर इन इंडिया देखेंगे तो जिसका नाम है वो मेरा होम्योपैथी कंसल्टेंट है, वो भी मुझे बुला लिए क्या हो रहा है अभी ऐसा। सर इसमें मैं ऐसा होता है सर
एक ज्योतिषी हैं, उनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। सर उन्होंने 15 मई तक मुझे रुकने को बोला है, जब सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने वाला है कर्नाटक का निकाल, बोले 15 मई तक आपको तकलीफ थोड़ी रहेगी, तब तक आप इलाज करते रहो। अभी रेकी का भी इलाज कर रहा हूँ सर मैं, वो रेकी देते हैं ना, उसके एक रेकी मास्टर भी है। सर योगा भी कर रहा हूँ मैं, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरा पूरा दिन दवा दारू में जा रहा है, दारू में नहीं जा रहा है आजकल, मगर दवा में जा रहा है। सर ज्योतिष का एक ही नुकसान मित्र बताता हूँ, मेरी बीबी को एक ज्योतिषी ने बताया कि मैडम ये 30 तारीख तक, 30 अप्रैल आप संभल के रहो, आपको कोई फ्रैक्चर होगा। सर 30 तारीख की, 30 अप्रैल परसों की, आप रोज मिलते हैं हमारे घर में आते हैं, बात मैडम से भी आपकी बात होती है, हंसी खुशी होती है, क्या किया है आज खाने को, ये वो सब चर्चा चलती है। तो 30 को रात 11 बजे मैं उसको बोला कि चलो 30 अप्रैल तुम्हारा निकल गया, तुम बहुत सुरक्षित हो, अभी संभल के रहो, 1 घंटा रह गया अभी। तो बोले हाँ सर, उसको प्यास लग गई और ऊपर क्या हुआ, मैंने गलती से एसी में बॉटल रखा था, तो एसी में बॉटल ठंडा होती है और उसको नहीं चलता है ठंडा, तो बोली मैं 1 मिनट बॉटल लेके आती हूँ। तो बॉटल लेने वो किचन में गई, किचन में गई, सर देखो कैसा होता है देखो, तो वहाँ पे वो एक हमें जरूर मंटो तुम्हें क्या मंटो, कॉकरोच, कॉकरोच सर, वो कॉकरोच था। तो उसके मन में क्या आया मालूम नहीं, उसने चप्पल निकाली और उसके पीछे जाके मारी, बड़ा झूझ था और वो डरती भी है और मारती भी है उनको, तो मानते समय वो आगे बढ़ा, तो एक चप्पल पांव में दूसरे हाथ में करके वो उसको मारने के लिए और आगे जैसी दौड़ी ठाक से गिर गई, पीछे बाजू में दीवार पे गिर गई, मतलब डबल बाउंस हो गया उसका। सर 12:30 बजे जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, ये सब 11:15 बजे हुआ, हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने बोले 5 फ्रैक्चर है, मतलब वार्निंग आने के बाद भी हो गया ये 5 फ्रैक्चर दोस्तों। और उस ज्योतिषी ने बताया था कि 12 बजे के पहले आप सावध रहो, तो अकेले के 1 घंटे में हमने ये गलती कर ली। साहब आए दूसरे दिन, मैडम ऊपर बैठी थी, मैंने बोला चाय लेके ऊपर जा रहा हूँ, बोले क्या हो गया, मैं बोला 5 फ्रैक्चर, बोले क्या बात करे, मैंने बोला इनको बताया था मैंने कि अभी आज कल आखिरी दिन है हमारा, कल हम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैडम का भी कोई छोटा मामूली है वो निकल जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को हम उनकी भविष्यवाणी से फ्री हो रहे हैं। तो दूसरे दिन मैं बोला नहीं हुआ है, 5 फ्रैक्चर हो गए एक साथ, क्या बोले सर, अभी मेरे को 15 तारीख दी है, तब तक मुझे संभालना है, संभालना ही संभालना है, संभालना ही होता है सर, कहाँ शरद पवार, कहाँ ये और कहाँ, और सर ये अपने फैमिली मेंबर है जी, इनसे क्या छुपाना है, शेयर करना है। चलो सर अभी गिरूंगा मैं, अभी गिरूंगा, चक्कर आने लगा। तो हम चर्चा यही कर रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है किस तरफ जा रही है, रोज जो नए नए बयान आते हैं, रोज नए नए प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, पवार साहब के अलग ही चल रहे हैं, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे चर्चा पर आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, भी भेजिए कोई, और कत्ते साहब को प्रेयर कीजिए जल्दी जल्दी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाए, हमारे साथ एकदम फ्रेश मूड में बैठे, अच्छी बातें करें, अंदर की बातें करें राजनीति की, जो अब तक मैं पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।